द ग्रेट इंडियन मर्डर या कहो द ग्रेट इंडियन स्टोरी टेलिंग वाला शो, जिस हिसाब से ये शो अपनी स्टोरी लाइन को प्रेजेंट करता है ना भैया, मेरे को तो ऊपर से लेके नीचे तक आ गया पूरा का पूरा ऑर्गेज्म। स्टोरी शुरू होती है विक्की राय नाम के माता जो कि अपनी एक कंपनी की डील कराने के लिए 6 फीट के अफ्रीकन आदमी को 4 फुट की 2 लड़कियां सप्लाई कर देता है। That's why his mother choked. और होता क्या है, सुबह वो दोनों की दोनों लड़कियां मर जाती है। इमेजिन भी मत करना कि उस रात में वहां पे कमरे के अंदर क्या हुआ होगा। जो भी हुआ बहुत गंदा हुआ, जस्ट लाइक माई ओल्ड चैनल जैसा, वो भी चुत गया। फिर आती है पुलिस और विक्की राय को लेकर चली जाती है। और विक्की राय एक लेजेंड आदमी है भैया मेरी नजर में, मैं उनके कैरेक्टर की नहीं बात कर रहा हूँ, जिसने रोल प्ले किया उसकी बात कर रहा हूँ, वो बंदा लेजेंड है। क्यों? क्योंकि उसने विक्की राय के कैरेक्टर को इतना सीरियस ले लिया, मतलब अगर तुम्हें उस कैरेक्टर से घिन आ रही है तो फिर तुम्हें उससे कैरेक्टर से घिन आ जाएगी, इस तरह का रोल उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो फर्स्ट एपिसोड में विक्की राय का हो जाता है मर्डर, और जिस पार्टी के अंदर उसका मर्डर होने वाला है, मतलब होता है, उस पूरी की पूरी पार्टी में सब उसके दुश्मन है। इवन मैं इधर कैमरे के इधर भी चाहता था कि मैं भी इसको मार दूं। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, बट कैमरे के उधर वाले लोग उसमें से पार्टी में से कोई एक उसको निपटा देता। अब कौन निपटाता है, कैसे निपटाता है, नो आइडिया। फिर आती है सीबीआई में से हर्षद मेहता केस लड़ने के लिए, प्रतीक गांधी केस लड़ने के, मतलब केस सॉल्व करने के लिए आते हैं। और प्रतीक गांधी का कैरेक्टर इसमें रहता है पैसा खाओ। एक बड़ा सा नेता प्रतीक गांधी को कहता है कि देखो बेटा, ऐसा है कि केस तुम लड़ रहे हो, पर तुम्हें केस को ऐसे कन्वर्ट करना है जिससे कि राजनीतिक चेंज आ सके छत्तीसगढ़ के अंदर। ऐसे करके ना प्रतीक गांधी को लाया इसीलिए जाता ताकि वो केस को उठल पुथल कर सके। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से ये केस जाता ऋचा चड्ढा को, जो कि अपने सीरियसनेस से यानी कि समझदारी से इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है और हर कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करती है। राइमिंग हो गया। कैरेक्टर्स भैया, जिन जिन ने मर्डर किया यानी कि जो जो इस शामिल है इस मर्डर में, उन सब का कैरेक्टर भैया लेजेंड है। यानी कि अगर प्रतीक गांधी और ऋचा चड्ढा इस शो में नहीं होते तो भी उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी जगह किसी कॉमन को भी रोल दे देते ना तो कंसीडर हो जाता, क्योंकि बाकी के जितने भी लोग है ना वो सब इस किल कर देते अपने रोल को लेकर। सबसे पहले आता विक्की राय और उसके बाद में आता है आशुतोष राणा, और आशुतोष राणा से अच्छा बाप कोई बन ही नहीं सकता, नॉट इवन माई पिताजी। फिर आता है मुन्ना नाम का पहला सस्पेक्ट जो कि एक चौल में रहता है, और वो बंदा भी किल कर देता भैया अपने रोल को लेकर। और उससे भी ज्यादा किलिंग रोल करता है एकती नाम का बंदा जो कि अंडमान में रहता है, ना उसको हिंदी आती है ना उसको इंग्लिश आती है, फिर भी उस कैरेक्टर से आपको प्यार हो जाता भैया, सोना चाहोगे उसके साथ। नहीं, वैसा वाला प्यार नहीं होता, बस इस शो में सबसे ज्यादा अगर कोई पसंद आता तो वो एकती रहता है, मेरा मतलब ये था। उसके बाद में आता है गांधी जी 2.0 और वो तो अलग ही लेजेंड है भैया, उनके तो 2 एपिसोड उनको डेडिकेट कर दिए हैं और उन्होंने अपने एपिसोड में फाड़ दिया है, मत ही पूछो मैं क्या ही बताऊं उनके बारे। तो अभी भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं पर्सनली बताता हूं तुमको कि हर एपिसोड में एक नई स्टोरी लाइन यानी कि नए कैरेक्टर्स की नई कहानी लगाई देती है आपको। लाइक फर्स्ट एपिसोड में विक्की राय की पूरी कहानी दिखा देते हैं, उसकी जन्म कुंडली, विक्की राय द माता कैसे बना वो पूरा दिखा दिया जाता है। और मैं उसे मारा जो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो भैया अपना बचपन में 7 साल का रहता है, उसकी काम वाली बाई सीढ़ियों के ऊपर चढ़ी हुई रहती है और ये हरामी नीचे से ऐसे देख रहा होता है। That's why he's... फिर आते हैं सेकंड एपिसोड में आशुतोष राणा की स्टोरी लाइन। आशुतोष राणा एज अ बाप देखने को मिलता है और आशुतोष राणा भी बहुत हरामी रहता है, वो उस काम वाली भाई से शादी कर लेता है, तो उनकी भी राजनीतिक कहानी दिखाई देती है। थर्ड एपिसोड में फिर एकती की कहानी आ जाती है, उसके बाद में आगे आने वाले एपिसोड में हर किसी की कहानी आती है। तो बहुत ही यूनिक है यार ये शो का प्रेजेंटेशन, बहुत यूनिक है। और वो कहानी होती है ना जो अलग अलग लोगों की कहानी दिखाई जाती है बट एंड में आकर एक ही जगह रुकती है, यानी कि मतलब ऐसा होता ना कि कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे कि तुमने एक कहानी एक एंगल से देख ली, लाइक इसकी कहानी इसी एंगल से यहां तक देख लियो, बट दूसरे टाइम में जब इसकी बारी आती है उस कहानी को प्रेजेंट करने की, तब भी वो वहीं पे उसी कहानी को उसी वे में दिखाता बट अलग एंगल से। तो ऐसे कर करके अलग अलग कहानियां जाती है भैया मर्डर के तरफ और मजा आ जाता भैया, कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। कम दिमाग वालों को तो लगेगा कि यार अभी तो देखा था यार, ये कहीं तो देखा था, कुछ मिस ऐसा हो जाएगा। तो बहुत फोकस के साथ देखना भैया, बवाल शो है यार ये, बवाल शो है। अभी शो की अगर बात करूं तो कुछ एस्पेक्ट पे ये किसी को बुरा भी लग सकता है, लाइक सीबीआई ऑफिसर को एज ए करप्ट दिखाना। उसके बाद में फिर बात ये छत्तीसगढ़ के बारे, न्यूटन जैसी मूवी के अंदर भी छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट वालों को बुरा दिखा देते हैं, इसमें भी सेम नक्सली वगैरह वाला पॉइंट ऑफ व्यू दिखा देते हैं। तो वो क्यों करते हो यार, छत्तीसगढ़ को वैसे ही तुम सीरीज के अंदर बहुत कम लेते हो, जब तुम्हें लगता है कि हम बिहार से ज्यादा गंदा किसी को नहीं दिखाते तब तुम छत्तीसगढ़ को उठा लेते हो, तो गलत बात है यार, कभी विजिट तो करो वहां पे।
मैं भी नहीं गया आज तक। अब भैया बात कर लेते हैं डायरेक्टर साहब की। तो डायरेक्टर साहब वो हैं जिन्होंने सिनेमा के अंदर रहकर कहा था कि सिनेमा चूतिया, यानी कि साला हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। तिग्मांशु धूलिया जी भैया, वो बंदा बहुत लेजेंड है, वो सर रिस्पेक्ट, फुल रिस्पेक्ट। और उन्होंने इस सीरीज को जिस बुक से अडॉप्ट किया है उसमें अपना दिमाग लगाकर कहानी को डिस्ट्रीब्यूट किया है और हमारे सामने अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग वे में प्रेजेंट किया, उन्होंने फाड़ दिया भैया उनके डायरेक्शन। और उन्होंने ये पूरी सीरीज को संभाल के रखा है, क्यों संभाला आगे बताता हूँ। उसके बाद में बात करते हैं राइटर साहब की। तो विकास नाम का कोई है राइटर है जिन्होंने सिक्स सस्पेक्ट नाम की बुक लिखी है, उसी पर ये पूरी की पूरी कहानी बुक कर बेस करती है। और तिग्मांशु धूलिया जी ने अपना दिमाग लगाया है। अब इस सीरीज के अंदर अगर बात करें तो तिग्मांशु धूलिया जी ने हमें बेस्ट डायरेक्शन दिखाई है। तो इस शो को तुम्हें डायरेक्शन के लिए देखना चाहिए, इस शो को तुम्हें डार्क कॉमेडी के लिए देखना चाहिए, इस शो को तुम्हें स्टोरी लाइन टेलिंग के तरीके के लिए देखना चाहिए, इस शो को तुम्हें मर्डर के लिए देखना चाहिए, और इस शो को तुम्हें विक्रांत मधुचोत के लिए देखना चाहिए, और इस चैनल को तुम्हें सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि रिव्यू होता है यहीं पर खत्म। मिलते हैं अगले रिव्यू में, पसंद आए तो लाइक भी कर दे।